Hello, my name is Tarun Agarwal and I am digital networker. In this video, I have Mr. Harshit Bansal in this video. Okay, so you can see Harshit is from Agra. और बेसिकली हर्षित इज बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद मी. और अभी क्या हुआ था कि हम लोग सुबह एक वन टू वन मीटिंग कर रहे थे और हर्षित से मैं कुछ डिस्कस कर रहा था रिलेटेड टू बिजनेस, और मेरे से कुछ जनरिक ये दो तीन क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे. और ये एक स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं अभी और साथ ही में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. तो इनके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही जनरिक से क्वेश्चन है. मुझे लगा कि क्यों ना इन वीडियो इसको एक वीडियो की तरह रिकॉर्ड करके आई अपलोड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड इट हो सकता है कि हर्षित को तो हेल्प करेगा ही, बट बाकी लोग जो सेम क्वेश्चन जिनके हैं उनके लिए भी हो सकता है ये यूजफुल हो. सो दैट्स इंटेंशन ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. सो वेलकम हर्षित, बताइए क्या क्वेश्चन हैं आपके. हाय सर, हाउ आर यू सर? गुड गुड, वेरी गुड. ओके ग्रेट सर. मेरा पहला क्वेश्चन ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जैसे कि सर आपकी तो शादी हो गई पहले से, तो मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, तो मेरे घर वाले थोड़ा प्रेशराइज करते हैं मेरे को कि कॉलेज के साथ थोड़ा कुछ जॉब कर ले या फिर कोई बिजनेस मुझे संभाल ले छोटा सा, जो कि आगे हेल्पफुल दे, मतलब कॉलेज के साथ साथ अपना तेरा छोटा मोटा खर्चा भी निकलता रहे और थोड़ा प्रेशराइज भी करते हैं. तो आपकी तो शादी हो चुकी है तो सर आपको तो ये चीज नहीं होगी, बट ये चीज बोलते हैं कि यार अगर शादी अगर कॉलेज खत्म हो गया तेरी अच्छी जॉब नहीं लगी तो ये चीज सेफ जोन होगी तेरे लिए कि अगर तू अभी से स्टार्ट कर देगा कुछ जॉब वगैरह तो आगे जाके बेनिफिशियल हो, वरना तेरी शादी नहीं होगी. तो सर इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? ओके नाइस. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई लड़की वालों को क्या क्या बताएंगे कि लड़का नेटवर्क मार्केटर है ऐसे. ओके नाइस. सो लेट मी शेयर विद यू, ऐसा आपको क्यों लगता है कि सिर्फ शादी के लिए प्रॉब्लम है? इवन जो शादीशुदा है उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम होती है वैसे तो. सो लेट मी शेयर विद यू, हुआ क्या कि जैसे मेरे जो पेरेंट्स पहले देहरादून में थे, तो एक बार मेरे ताऊजी जो गुड़गांव में रहते हैं वो मसूरी घूमने उनको जाना था. मसूरी घूमने के लिए देहरादून गए, मतलब मम्मी पापा से मिलते हुए जा रहे थे, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ चुका था. तो क्या हुआ कि मेरे ताऊजी घर आए, मम्मी पापा से मिल रहे थे, मैं तो नोएडा में था, तो मम्मी पापा से बैठ के चाय वाय पी रहे थे, और ताऊ जी ने उनसे पूछा मेरे पापा से, और भाई बिट्टू का क्या चल रहा है, मतलब बिट्टू मैं एक नाम बिट्टू है, और बिट्टू का क्या चल रहा है, आजकल क्या कर रहा है. तो पापा ने ऐसे बोला कि भाई वो तो नेटवर्क मार्केटिंग में है, अब तो जॉब तो छोड़ ही दी. तो उनका भी यही एकदम से उन्होंने बोला, अरे भाई इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी, अच्छा खासा नौकरी करते रहते, ये तो भाई पार्ट टाइम काम होता है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग काम हमें तो समझ नहीं आता. हमारे ऑफिस में भी एक बंदा था नेटवर्क मार्केटिंग करके, उसने जॉब छोड़ दी, कुछ हुआ नहीं उसका, हमें तो ये काम समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कुछ दिक्कत हो गई थी जॉब में क्या ऐसे. तो हुआ कि होता क्या है कि लोग इसी तरीके से सोचते हैं नॉर्मली, एंड विच इज ओके कि इफ समबडी इज इन टू नेटवर्क मार्केटिंग, सो कहीं ना कहीं मार्केट में इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है. ओके कहीं ना कहीं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, वी हैव टू एक्सेप्ट. मैं नेटवर्क मार्केटिंग हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डिफेंड करूँ. नो नो नो, वाई शुड आई डिफेंड एनी इंडस्ट्री, लेट्स टॉक द ट्रूथ. तो दैट्स अ ट्रूथ कि कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि यार कहीं ना कहीं इवन सोसाइटी में कहीं ना कहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटर है, ओनली नेटवर्क मार्केटर, कुछ और साथ में कर लो. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन. द ओनली वे टू हैंडल दिस सिचुएशन इज टू ग्रो योर पर्सनल वैल्यू. नोबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू अ नेटवर्क मार्केटर, नोबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू अ सेल्समैन. कोई अगर आप सेल्समैन भी होते तब भी यही बोला जाता है कि कमीशन बेस्ड रुपया कमा रहे हो. प्रॉपर्टी डीलर काफी अच्छी वैल्यू नहीं है मार्केट में, देखें रुपये चाहे कितना भी कमा रहा हो प्रॉपर्टी डीलर, ज्यादा अच्छी वैल्यू नहीं है. म्यूचुअल फंड एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट, ये जितनी भी, ज्यादा अच्छी वैल्यू नहीं होती मार्केट में. द रीजन इज बिकॉज पीपल थिंक दैट दीज काइंड ऑफ बिजनेस आर नॉट स्टेबल. पीपल थिंक कि रेगुलर रुपया आए जॉब के थ्रू, दैट्स मच बेटर देन नेटवर्क मार्केटिंग. सो द सॉल्यूशन इज ग्रो योर पर्सनल वैल्यू. सॉल्यूशन इज थ्रू इंटरनेट. देखिए स्टार्टिंग में इस तरीके से मैंने भी काफ़ी फेस किया, बट आफ्टर क्रिएटिंग सम गुड क्वालिटी कॉन्टेंट यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे जैसे मेरा अच्छा कॉन्टेंट बनता चला गया, और अब जब मैं किसी शादी में जाता हूँ, घर की कोई शादी वादी होती है, किसी इवेंट में जाता हूँ, सो नो बडी ट्रीट मी एज अ नेटवर्क मार्केटर, एवरीबडी ट्रीट मी एज अ गुड इन्फ्लुएंसर. ओके सो आई हैव एक्चुअली ग्रोन माई सेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर ऑन इंटरनेट, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पीपल डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, जो कि इस तरीके से आपने जो बात बोली. ओके नाउ व्हाट अबाउट हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन. हेलो, आपको आवाज आ रही है हर्षित? हेलो हर्षित, यस, आपका शायद हैंग हो गया था बीच में. ऑलराइट, सो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, द ओनली वे इज टू ग्रो योर पर्सनल वैल्यू ऑन इंटरनेट, ऑन यूट्यूब डायरेक्टली. देखिए नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक टू नेटवर्क मार्केटर. ओके तो डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग की ना बात करके, यू शुड सेलेक्ट अ निश. ओके वी आर एक्चुअली इन अ निश
ऑल मेक मनी. तो सेलेक्ट अ निश, एक निश पकड़ के देन क्रिएट अ कॉन्टेंट विच एक्चुअली सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ ए पर्सन. तो इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, इफ यू आर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो, सेलेक्टिंग अ निश मेक मनी, चाहे वो हाउ टू मेक मनी यूजिंग इंस्टाग्राम, हाउ टू मेक मनी यूजिंग फोन, हाउ टू मेक मनी यूजिंग दिस, इस तरीके से जो हम कॉन्टेंट बनाते हैं एंड हेल्पिंग पीपल. इवन हमारे घर वाले जो हमको देखते हैं तो दे अंडरस्टैंड दैट वी आर ए डिजिटल कोच, वी आर एन इन्फ्लुएंसर. सो गिव योर सेल्फ अ डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन इज नॉट मैनेजर इन अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डेजिग्नेशन इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, सॉरी डिजिटल नेटवर्कर. सिमिलरली डेजिग्नेशन इज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, डेजिग्नेशन इज फेसबुक एक्सपर्ट, डेजिग्नेशन इज सोशल मीडिया एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसर. इस टाइप की जो डेजिग्नेशन होती है आज के टाइम में, दीज पीपल इन्फ्लुएंसर्स आर ट्रीटेड विद मोर रेस्पेक्ट. तो क्यों ना हम उसमें ऐसे करके देन वी अर्न मनी थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग. आई थिंक दिस वे यू कैन डू ग्रो योर इन्फ्लुएंस. ओके, एंड डोंट टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग विद इन योर फैमिली. ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई.